गाजीपुर से सुभाष कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योगा संस्थान के द्वारा 15 दिवसीय योग शिविर का आयोजन। गाजीपुर जिले के मर्दा ब्लॉक मुख्यालय के प्रांगण में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योगा संस्थान के द्वारा 15 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें योग से संबंधित जानकारियां और 2 घंटे योग कराया जा रहा है। वही राज्य स्तरीय योग शिक्षक कुलदीप गोस्वामी ने बताया कि योग को अंतर्राष्ट्रीय मानक पर सम्मानित रूप से स्थापित करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल भूमिका अति सराहनीय है, जिनके प्रबल प्रयास से 21 जून 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। क्रियात्मक एवं सैद्धांतिक रूप से योग क्रिया कराते हुए निरोग रहने के लिए योग को महत्वपूर्ण है। योग करने से हमारे शरीर को अनेकों लाभ मिलते हैं। बीमारियों को दूर करने की एक दवा है योग। योग शिविर में रोजाना लगभग 50 से 60 युवा वर्ग, पुरुष महिला एक नारे के साथ योग कर रहे हैं। करे योग, रहे निरोग। लेकिन जब आप सही ढंग से करेंगे तो सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर करना, इसमें कोई टेंशन नहीं लगेगा। सांस को अंदर बांध दीजिए, उसे आंखें बंद करके करेंगे 5 मिनट रोज प्रतिदिन करिएगा, देखिएगा कभी आपको कोई रोग नहीं होगा। इससे जुकाम बुखार हो जाता है ना, कहीं का पानी पिए तो जुकाम बुखार हो जाता है, कभी नहीं होगा। इससे काफी कल नहीं आ पाए हैं तो कल भाई से लेकर किसी भैया से लेकर लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा प्राणायाम है कपाल भाति। कौन सा प्राणायाम है? कपाल भाति। ऐसे एक हाथ पेट पे रखें, दूसरा हाथ नाक के सामने, है ना। अब सांस को सिर्फ बाहर छोड़ना, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक, 1 मिनट में कितनी बार होंगे? 60 बार होंगे, होंगे ना। तो ऐसे देखिए, जैसे हम खाँसते ना, मुख से खाँसते तो हवा निकलती है ना मुख से, वैसे नाशिका से हमें हवा निकालनी है। Thank you.